तो है फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक सैमसंग का टूल लेकर आया हूँ जो कि FRP अनलॉक के ऊपर है। अब बिल्कुल इजीली ये जो टूल है फ्री में आप अनलॉक कर पाएंगे इस टूल के मदद से, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे बहुत दिनों से, थोड़ा टाइम की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो जो है फाइनली मैं वीडियो ला चुका हूँ 1 क्लिक FRP के लिए। और ये जो टूल है फ्री का टूल है, और वो ये कोई भी एंटीवायरस को डिटेक्ट नहीं करता है, और बिल्कुल इजीली आप इसको डाउनलोड कर पाइएगा, रन कर पाइएगा, कोई भी एरर वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला। कुछ ऐसा ही टूल मैं ढूंढ रहा था आप लोगों के लिए, कि बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि इसमें एंटीवायरस रहता है, थोड़ा डिटेक्टर दिक्कत आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया ऐसा टूल कि कोई भी एंटीवायरस आपको डिटेक्ट नहीं करेगा इसमें, और बिल्कुल इजीली आप रन कर पाइएगा, यूज़ कर पाइएगा, इस टूल से फ्लैश भी कर पाइएगा। 5 से कोई भी FRP मॉडल हो बिल्कुल इजीली आप अनलॉक कर पाइएगा। एंड्रॉयड 6-7 डाउनलोड मोड में भी कर पाइएगा बिल्कुल इजीली। इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं लाइव आपके सामने दिखाऊँगा भी इसको कैसे ईजिली आप FRP अनलॉक कर पाइएगा। तो वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि एक्चुअल में कैसे इसका क्या प्रोसेस है। तो ये देख लीजिए, मैं जो आप लोगों को टूल देने वाला हूँ आज बिल्कुल फ्री में, सेम FW टूल है, FRP टूल, सेम FW FRP टूल, और इसका इसका लेटेस्ट वर्जन है 2.7.1। ठीक है, आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन जाना है, नीचे जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ से Download 1 Download 2 पे मिल जाएगा। आप यहाँ से 1 या 2 किसी पे कर पे बिल्कुल इजीली आप डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो ये जो टूल है बिल्कुल फुल क्रेडिट जाता है सेम FW टीम को। तो आपको यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको बिल्कुल इजीली आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा आप लोग टूल को। ठीक है, तो यहाँ से आप टूल एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेम FW करके यहाँ पे खुल जाएगा आपको फाइल, यहाँ जाना है अंदर में। ये देखिए मेरा एंटीवायरस यहाँ से आप देख लीजिए कि ऑन है, कोई तरह की कोई दिक्कत यहाँ से नहीं लग रहा है। ये देखिए हम यहाँ से ऑन करते हैं और इसको ओपन करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सैमसंग का FRP निकालता है या नहीं निकालता। ये देखिए क्विक में ये रन भी होता है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए अभी डेस्कटॉप पर कुछ भी नहीं है, जैसे ओरिजिनल टूल होता है सेम ओरिजिनल टूल के जैसा ये वर्क भी करेगा। यहाँ से सेंड टू डेस्कटॉप कर लेना और इस टूल को डेस्कटॉप पे ले आएंगे। यहाँ पे ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गया आपका टूल, और उसके बाद आपको क्या करना है कि हमें क्या करना है, टेस्ट मोड में इसका FRP निकालना है। ठीक है, ये सारा मोड मैं ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले आप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका FRP कैसे बिल्कुल ईजिली निकलेगा। ठीक है, 1 क्लिक में ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा केबल यहाँ से कनेक्ट करना है। मैं पहले ट्राई कर रहा था इसलिए कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो मैं जब तक ट्राई नहीं करता हूँ इस पर वीडियो, मैं किसी भी टूल पे वीडियो नहीं लाता हूँ। हमें अच्छा लगा ये टूल तभी मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको पता ही है ये प्रोसेस, *H0*H। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, अगर टेस्ट मोड में हम निकाल रहे, इसको बोला जाता है टेस्ट मोड, *H0*H को टेस्ट मोड बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ से रिमूव FRP पे क्लिक करना है और ये मॉडल को सर्च करेगा। यहाँ पे ये देख लीजिए मॉडल ये लिख दिया G610 और IMEI नंबर, सीरियल नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया, और ये मोड लिख दिया MTP। ठीक है, वेटिंग फॉर डिवाइस। अब ये जैसे आप कनेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप का आ जाएगा, तो आपको ये जो देख रहे हैं अलाव, इस पर क्लिक करना और ओके पे क्लिक करना। ठीक है, इसका ADB ऑन हो जाएगा। ADB ऑन होने के बाद यहाँ से रिमूविंग कर रहा है, ये FRP को रिमूव कर रहा है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये देख लीजिए, ये देखिए सेटिंग ओपन हो गया इसका, FRP भी इसका निकल चुका है शायद। ये देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया है FRP रिमूव सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन, डू वांट टू सेंड अस कॉफी, यस कर देंगे। तो यहाँ से ये देख लीजिए हमारा FRP, ये इसमें क्या किया कि फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है,
और ये जो है अनलॉक टूल में भी कई बार सपोर्ट नहीं ले पा रहा था, क्योंकि ये 8 वर्जन है इसमें और एंड्रॉयड 9 को ही वो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा FRP डन हो चुका है, यहाँ से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और तब तक मैं ये देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ इस टूल के बारे में, क्या है इस टूल का फंक्शन क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए ये देखिए, ये टेस्ट मोड बोला जाता है, जो कि स्टार है जीरो हैश इसमें डालते हैं ना, इसको टेस्ट मोड बोला जाता है। मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको टेस्ट मोड बोला, टेस्ट मोड का मतलब आप सारा कुछ इसमें टेस्ट कर लीजिए, स्क्रीन वगैरह सारा कुछ, कैमरा वगैरह चेक कर सकते हैं, इसको टेस्ट मोड ही बोला जाता है नॉर्मली। इस मोड में आप FRP रिमूव कर सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, डिसेबल नॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, चेंज CSC बेटा, बीटा में ये टेस्टिंग में है अभी ये। ठीक है, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा इस पर बात नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या फंक्शन है, MTP मोड में आप जो है यूट्यूब पर जैसे आपको जाना हो, या कोई भी ब्राउज़र पे जाना हो, सैमसंग ब्राउज़र, एलियन सील जैसे पहले वर्क करता था, इसका अपडेट दे रखा है इन्होंने पहले ही। और यहाँ से आप MTP मोड में फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। MTP मोड में कौन फैक्ट्री रिसेट करेगा, इसका काम नहीं है, इसका काम होता है कई बार। और ADB मोड में ओल्ड FRP निकाल सकते हैं, न्यू मॉडल का FRP निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें, मेन चीज़ जो है यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड मोड में। डाउनलोड मोड में आप क्या कर सकते हैं कि 5 और 6 का लेटेस्ट वर्जन जो आता है उसको आप ओल्ड मेथड सके फर्स्ट मेथड और मेथड 2 इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसमें यह होगा कि आप अनलॉक कीजिएगा ना, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे फ्री का है ये और हमें कोई परचेज नहीं करना पड़ता, इसको बिल्कुल इजीली आप अनलॉक कर पाइएगा इसको। और इसमें दे रखा है एग्जिट टू डाउनलोड मोड सॉफ्ट ब्रिक, जैसे आपका फ़ोन हो जाता है कई बार फ्लैश कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, फ़ोन लोगो पे रुक गया, डाउनलोड मोड में ही चला गया, तो इसको यहाँ से सॉफ्ट ब्रिक पर क्लिक करेंगे तो आपका 100% ये ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये FRP रिमूव कर सकते हैं फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड, बस यही था। और ओडिन से मेन चीज़ जो है यहाँ से आप इजीली इसको फ्लैश कर पाइएगा, जैसे आप पेड वर्जन में करते हैं उसे फ्री में कर पाइएगा। इस टूल को मेन पर्सन क्या, एक टूल रखिएगा आपका, फ्लैश भी कर सकते हैं, ओडिन वगैरह कुछ भी नहीं रखना होगा, बिल्कुल आप फ्लैश कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। और उसके बाद मिस दे रखा है, यहाँ से ड्राइवर का कोई दिक्कत हो ड्राइवर का बिल्कुल ईजिली काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये टूल आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो न्यूज़ लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लाता रहता हूँ वो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।